हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैंने भी आप लोगों की तरह वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, और आज जो टॉपिक मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ ये बहुत ही मतलब मज़ेदार टॉपिक मैं बोलूँगा। अभी हमने एक सेमिनार किया और उस सेमिनार में हमारे एक लीडर हैं, वो सेमिनार के बाद, सेमिनार बहुत शानदार हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन वो सेमिनार के बाद थोड़े से नाराज़ हो गए। और उनकी नाराज़गी का जो कारण रहा वो ये रहा कि उनका स्टेज से किसी ने नाम नहीं लिया, या मैंने नाम नहीं लिया, या किसी ने नाम नहीं लिया, जो ऐसा था नहीं, लेकिन उनको ये फीलिंग आई कि जो एक्चुअल में मेरी प्रमोशन होनी चाहिए थी वो प्रमोशन मेरी नहीं की गई, और इस बात की उन्होंने नाराज़गी जताई। तो मैंने कहा क्यों ना आज इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मेरे ग्रुप में हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि सभी के ग्रुप में होता होगा। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों की वजह से इतने शानदार बिजनेस को छोड़ने की गलती कर देते हैं, और इतना बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा होता है और ऐसे छोटे छोटे से ब्रेकर्स उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं कि वो उनका इस बिज़नेस में चलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है हमें ये समझना है कि क्या ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने नेगेटिव होते हुए देखा है, और उसका कारण क्या रहा कि उन्होंने फेसबुक पे कोई फ़ोटो डाली और उनकी अपलाइन ने वो फेसबुक पे उनकी फ़ोटो लाइक नहीं की, या कोई अच्छा सा कमेंट उनके बारे में नहीं लिखा, स्टेज से उस व्यक्ति की प्रमोशन नहीं की गई, या जब उसका सेलिब्रेशन होना था तो वो सेलिब्रेशन उस तरीके से नहीं हुआ जैसा वो चाहता था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार हम इस बिज़नेस को केवल और केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारी अपलाइन ने हमारी फ़ोटो को लाइक नहीं किया, हमारी अपलाइन ने हमारे लिए अच्छे शब्द नहीं बोले, हमारी अपलाइन ने हमारे लिए कोई बढ़िया सा सेलिब्रेशन नहीं किया। दोस्तों, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि एक अपलाइन जो होता है ना, वो जैसे जैसे उसका बिज़नेस बढ़ता है उसकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो हर व्यक्ति से उसी तरीके से बात कर पाए या उसी तरीके से संपर्क या संबंध बना पाए जो शुरुआत में आपके साथ था, क्योंकि ये, और ये समस्या उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो एज ए अपलाइन खुद काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो अभी भी अपनी अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो अच्छी अपलाइन बन जाता है वो सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, वो सेलिब्रेशन करवाता नहीं है। तो अगर आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की छोटी छोटी सी बातों के ऊपर नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरे फ़ोटो को लाइक नहीं किया, या मैंने जो काम किया उसमें मेरे को उतना अप्रिशिएट मेरी अप्लाई ने नहीं किया, और इस वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं, तो ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप भी उनमें से हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये छोटी छोटी बातों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जब वेस्टेज बिजनेस के अंदर आया तो जिन व्यक्ति के पास मैं गया, जिनसे मैंने मुलाकात की, वो इस कंपनी के टॉप अर्नर हैं, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह जी के साथ जब मेरी बैठ के बात हुई कि भाई वेस्टेज बिजनेस के बारे में उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, और मैंने उनके साथ जब वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन किया तो कुछ कमिटमेंट भी मैंने उनसे लिए थे, तो मैंने उनको चेक करने के लिए बोला था कि भाई क्या कंपनी कुछ लैक्स देती है, कि भाई आपकी आईडी ऊपर लग जाएगी, इस तरीके की कोई कमिटमेंट होगी? तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरीके का वेस्टेज बिजनेस में कुछ नहीं होता। कुछ टाइम तक मैंने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद उनका कोई कॉल बैक मेरे पास नहीं आया, फिर कुछ बातें हमारे बीच में हुई तो उनका फिर मेरे पास फ़ोन आया कि अजय जी आप का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कहा सर आप मेरे को कोई लैग वैग तो दे नहीं रहे हो, तो मैं क्यों आपके साथ जुड़ूं, या कोई सपोर्ट तो मेरे को दे नहीं रहे हो, मैं क्यों आपके साथ जुड़ूं? तो उन्होंने एक ही बात बोली कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको एक कमिटमेंट ज़रूर करता हूँ कि जिस तरीके से आप मेरे पास आए, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे और लोग आते हैं, तो ऐसी कोई लीड या ऐसा कोई ग्रुप आएगा जो किसी और कंपनी के अंदर है और वो किसी कारण से वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए, तो मैं वो लीड आपको दे दूँगा। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, इस तरीके से अगर होता है तो कुछ लीड मिलेगी। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, लीड तो बहुत दूर की बात है, एक व्यक्ति भी सिद्धार्थ सिंह जी ने मेरी टीम के अंदर नहीं डाला है, बल्कि मेरी खुद की प्लेसिंग
जो उनके डायरेक्ट में लगनी चाहिए थी, जो मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला कि मेरे एक मित्र हैं, मैं आपको उनकी डाउन में डालूंगा अगर आपको एतराज़ ना हो। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने अपने मित्र की डाउन में मुझे डाल दिया। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया क्योंकि मेरे पहले कुछ कमिटमेंट थे अदर्स कंपनी के लिए। मैं सेमिनार्स देता था, मीटिंग देता था, उन सेमिनार मीटिंग के अंदर अच्छा खासा मैं चार्ज भी करता था। बहुत ज़्यादा तो नहीं करता था, लेकिन हाँ एक सेमिनार का, एक ट्रेनिंग का 50,000 रुपीज़ मैं लेता था। महीने में अगर 4 सेमिनार भी मिल गए तो 2,00,000 रुपये मेरी जेब में आ जाता था। उस सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद मैंने वेस्टेज बिजनेस को करना स्टार्ट किया। तो मेरे शुरुआत में कुछ कमिटमेंट थे तो मैंने सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं किया। शुरुआत में मैंने इस बिज़नेस को चेक करने की भी कोशिश की, जैसे हर आदमी आता है शुरुआत में अपने अपने तरीके से चेक करता है। तो मैंने इस बिज़नेस में क्या चेक किया, मैंने इस बिज़नेस में ये चेक किया कि क्या बिल्कुल नॉर्मल इंसान के साथ, जिसको नेटवर्किंग का कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, क्या उनके साथ भी काम करके वेस्टेज बिजनेस में कामयाब हुआ जा सकता है, 1,00,000 रुपये महीने के चेक तक पहुंचा जा सकता है या क्राउन बना जा सकता है। तो आज मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूं तो ये साबित हो चुका है कि मेरी टीम के अंदर कोई भी नेटवर्कर नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पहले किसी और कंपनी को किया हो, बहुत बड़ा नेटवर्क लेके आया हो या उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। खैर हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी बातों से लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मेरे उस डाउनलाइन ने, जो आज काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, लगभग 50,000 के आसपास उनको महीने का इनकम आ भी रहा है, वो एक छोटी सी बात पर नाराज़ हो गए कि मेरा स्टेज से उस तरीके से सेलिब्रेशन या उस तरीके से नाम नहीं लिया गया जो एक्चुअल में लेना चाहिए। पहली चीज़, क्या ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट सेमिनार था? मैं उन व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, लीडर से पूछना चाहता हूँ या सभी व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, क्या आगे हमारे सेलिब्रेशन या आगे हमारे सेमिनार्स नहीं होंगे? दूसरी चीज जो मैंने अभी बीच में बोली कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की चाहत रखता है, इसका मतलब वो अभी अपलाइन नहीं बना है, उसको सेलिब्रेशन खुद का करवाना है। जबकि ऐसे लेवल पे जाने के बाद तो हमें लोगों का सेलिब्रेशन करना चाहिए। मुझे बहुत पहले की अपने मम्मी पापा की एक बात याद आती है जो मुझे बोलते थे कि बेटा जीवन में कभी भी लेने वाले मत बनना, जीवन में अगर कभी बनना है ना तो देने वाले बनना। तो अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपनी जो सोच है, वो वही है कि मुझे जो है वो देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। और ईश्वर की कृपा हो रही है, वही मैं करता भी हूँ कि मैं सम्मान लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, सम्मान देने में विश्वास करता हूँ। अब सबसे मज़ेदार बात जो दोस्त है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ जी ने जो मेरे से कमिटमेंट किया कि मैं आपकी डाउन में कुछ लोगों को दूंगा, आज तक ऐसा कोई कमिटमेंट ना मैंने उनसे दोबारा पूछा, ना उन्होंने कभी मुझे कोई लीड दी, ना मेरी कभी उनसे बात हुई इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक पे क्या, मैं कभी शायद उनसे उसके बाद मिला भी नहीं हूँ। एक बार कभी बीच में मिला था मैं, मुलाकात हुई और वहाँ भी शायद हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। तो मेन जो चीज़ है, जिस चीज़ को मैं अब आपके सामने बताने जा रहा हूँ, कि मैंने काम करना शुरू किया, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ, मैं डायरेक्टर बना, मेरा किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया। मैं सिल्वर बना, मेरा किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया। मैं गोल्ड बना, मेरा किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया। बल्कि जब शायद मैं सिल्वर था और गोल्ड होने वाला था, तो शुरुआत में हम प्लान को बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ प्लान समझ में आ गया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वेस्टेज के प्लान में बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है, अभी आप बहुत कुछ नहीं समझ पाए हैं। मेरा सिल्वर जब हुआ था, उस मंथ की, उससे अगले मंथ की जब क्लोजिंग हुई, तो मेरी जो अपलाइन है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि अजय जी आपका जो गोल्ड क्वालिफाई हो गया है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने गोल्ड फाइल क्वालिफाई हो गया, टीम में ये बात फैल भी गई। लेकिन जब बिजनेस क्लोज हुआ तो 3 तारीख को जब मैंने देखा, वहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर ही लिखा आ रहा था। तो वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि हमारी अपलाइन ने मुझे बोल दिया कि आप गोल्ड हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं चाहता तो उस बात को पकड़ के इस बिज़नेस को छोड़ सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की छोटी छोटी बात अगर अपलाइन उनको बोल देते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती है, तो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा डायरेक्टर आया, किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, मेरा सिल्वर आया, किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, मेरा गोल्ड आया, किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया। सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है, हमारी अपलाइन ने कभी हमें फ़ोन करके भी नहीं बोला कि आपका गोल्ड आ गया है। मेरा स्टार आया, किसी ने मेरा सेलिब्रेशन नहीं किया, मेरा डायमंड आया, किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, और अभी मेरा क्राउन इस महीने आने वाला है और मेरा कोई सेलिब्रेशन नहीं करेगा। तो दोस्त मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ
कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, वो ड्रीम कुछ और है। पैसा तो मैं पहले भी कमा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से मुझे ऑफर्स थे, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया कि नेटवर्क बिजनेस की एक ऐसी कंपनी की मुझे तलाश थी जो वाकई लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है, और वो मुझे वेस्टिज में नज़र आया। और विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी सपोर्ट, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस महीने क्राउन जा रहा हूँ विदाउट एनी सपोर्ट, मेरी अपलाइन ने आज तक मेरा एक प्लान नहीं किया दोस्त, एक प्लान नहीं किया है। मेरा कहीं सेलिब्रेशन नहीं किया, मेरा कहीं से कोई एडिफिकेशन नहीं किया, मेरा स्टेज से कहीं नाम नहीं लिया गया, क्योंकि मेरी जो अपलाइन है, मेरी अपलाइन इतनी बड़ी अपलाइन है कि मेरे ऐसे तो पता नहीं कितने लोग उनकी टीम के अंदर होंगे, तो शायद उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं जुड़ा था तो मेरे को भी उम्मीद थी कि उनके मुँह से मेरा नाम निकले, वो मेरे बारे में तारीफ़ करें, लेकिन इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि मुझे बार बार फिर अपने मम्मी पापा की वही बात याद आ जाती है कि आपको लेने वाला नहीं बनना, आपको देने वाला बनना है। तो दोस्त, मैं यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी बातों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और एक चीज़ चलते चलते मैं ज़रूर बोलूँगा कि सम्मान दोस्त कभी भी किसी इंसान का नहीं होता है, सम्मान हमेशा इंसान के काम का होता है। आप काम करते चले जाइए, एक दिन लोगों की मजबूरी बन जाएगा आपका सम्मान करना। आप ऐसा काम करके दिखाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से दो चीज़ें मैं क्लियर करता चलता हूँ। पहली चीज़, आप केवल सम्मान के लिए नहीं आए हैं, आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं अपनी ट्रेनिंग में दो बातें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाता हूँ कि अगर आप डाउनलाइन बने तो ऐसी डाउनलाइन बने कि आपकी अपलाइन आपको ढूंढती हुई आ जाए कि यार ये कौन से डाउनलाइन है, इसने तो मेरा सपोर्ट ही नहीं लिया और ये यहाँ तक पहुँच गया। और अगर आप अपलाइन बने तो ऐसी अपलाइन बने कि आपकी एक एक डाउनलाइन आपके जैसा बनना चाहे। ये दो क्वालिटी जिस दिन आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना दोस्त, सम्मान तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको वो मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी होती हैं, आपकी अपलाइन आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाता, आपकी अपलाइन आपकी फ़ोटो पे लाइक नहीं कर पाता, आपकी अपलाइन अगर आपका सही तरीके से सेलिब्रेशन नहीं कर पाता है, इन सब बातों से हमें ऊपर उठना है। क्योंकि आपको ऐसा इंसान बनना है कि आप दुनिया का सेलिब्रेशन करें, लोग आपका सेलिब्रेशन नहीं करें, आप दुनिया का सेलिब्रेशन करें, इस तरीके का इंसान आपको बनना है। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी अपलाइन कोई कमिटमेंट आपसे कर देती है और किसी कारण से, पहली बात तो कोई कमिटमेंट करना नहीं चाहिए, अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उसको फुलफिल कीजिए, मेरा मानना यह है। इन केस अगर फिर भी कोई कमिटमेंट कर दिया है और वो कमिटमेंट किसी कारण से वो पूरा नहीं कर पा रहा, चाहे वो करना नहीं चाहता या उसने आपसे झूठ बोला था या कुछ भी किया था या उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके उस कमिटमेंट की वजह से आप अपने गोल को नहीं भूलेंगे, आप अपने ड्रीम को नहीं भूलेंगे, आपको आगे बढ़ते चलना है। वो कमिटमेंट एज ए ब्रेकर, एज ए हर्डल आपके ड्रीम के आगे नहीं आना चाहिए, और अगर गलती से आ गया है तो उसको तुरंत पार करके आपको आगे निकलना है। तो दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा कि सम्मान देने वाले बने, सम्मान लेने वाले ना बने, और साधारण लोगों से, बिल्कुल आम लोगों के माध्यम से क्राउन बना जा सकता है इस बिजनेस के अंदर विदाउट अपलाइन सपोर्ट के, कि आपका अपलाइन ने आपका एक भी प्लान ना किया हो, आपकी अपलाइन ने आपके लिए एक भी सेमिनार ना किया हो, आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर एक रुपया भी खर्च ना किया हो, उसके बावजूद भी आप क्राउन बन सकते हैं, ये साबित हो चुका है। मैं आपके सामने बैठा हूँ दोस्त, ये मैसेज आप अपने पूरे ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिए कि जिससे जो गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में हैं कि अगर अपलाइन नहीं होगी तो कामयाब नहीं हुआ जा सकता, अपलाइन अगर प्लान करने वाली नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। जब वेस्टी शुरुआत हुई होगी तब किसी एक व्यक्ति ने तो शुरुआत की होगी, उसका कोई अपलाइन नहीं था। तो सिंपल सा मैसेज है, साधारण सा मैसेज है, छोटी छोटी बातों से अपने बिजनेस को ख़राब मत कीजिए, अपने सिस्टम को ख़राब मत कीजिए। आप अपने ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। आपकी अपलाइन की वजह से, आपकी डाउनलाइन की वजह से, ना आपकी अपलाइन जो कमाएगी उसमें से कोई पैसा आपको मिलने वाला है, ना आपकी डाउनलाइन जो कमाएगी उसमें से आपको पैसा मिलने वाला है, आपको वही पैसा मिलने वाला है जो काम आप कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ,
मेरा डायरेक्टर का सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मेरा सिल्वर का सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मेरा गोल्ड का सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मेरा स्टार का सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मेरा डायमंड का सेलिब्रेशन नहीं हुआ, और अभी क्राउन आपके सामने आने वाला है, तब भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ और मैं चाहता भी नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तब भी मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कंपनी के बाद अपने आप को वहाँ पे खड़ा हुआ मानता हूँ, क्योंकि कंपनी ने हमें एक बेहतरीन सिस्टम दे दिया, बेहतरीन प्रोडक्ट दे दिया, बेहतरीन मार्केटिंग प्लान दे दिया, उसको सीखें और उसको आगे बढ़ें। और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जिंदगी में आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को पकड़ के हम लोग बैठ जाते हैं और अपलाइन की तरफ टकटकी लगा के देखना शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, हमारी अपलाइन ही सॉल्व करेगी। मैं चलते चलते एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है। मान लीजिए आप अपनी ग्रुप में सबसे लास्ट में हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आए, आप किसको देखेंगे? अपनी अपलाइन को। आपकी अपलाइन किसको देखेगी? अपनी अपलाइन को। उनकी अपलाइन, अपनी अपलाइन, उनकी अपलाइन, अपनी अपलाइन, करते करते मान लीजिए आप मेरे तक आ गए, मैं किसको देखूंगा? मैं अपनी अपलाइन को देख रहा हूँ, सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह जी ने मान लीजिए मुझसे बात नहीं करी है, मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो अगर बाई दिवे वो उनके पास भी उस प्रॉब्लम का हल नहीं है तो किसको देखेंगे? गौतम बाली जी को। अब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि गौतम बाली जी किससे किसको देखेंगे? गौतम बाली जी के ऊपर तो कोई अप्लाई नहीं है ना। मान लीजिए नीचे से करते 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 आप मेरे तक पहुँचे, मेरे मैं आपके उस प्रॉब्लम का हल नहीं बता पाया, मैंने अपनी अपलाइन को बोला वो नहीं बता पाया, उन्होंने गौतम बाली जी को बोला, गौतम बाली जी किससे बात करते होंगे? दोस्त, गौतम बाली जी बात करते हैं सिस्टम से। तो हमारी जो सबसे बड़ी अपलाइन कौन है? हमारी सबसे बड़ी जो अपलाइन है दोस्त, वो है सिस्टम। वो सिस्टम जो गौतम बाली जी ने बनाया है, गौतम बाली जी बैठते होंगे, सिस्टम से बात करते होंगे, क्या सही है क्या गलत है, ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या काम एक्शन लेना चाहिए। तो सिस्टम उनको जो सलाह देता है, गौतम बाली जी उसको जब फॉलो करते हैं तो सारे काम वो ठीक होते चले जा रहे हैं। यही कारण है आज हमारी कंपनी 2000 करोड़ की कंपनी बन गई है। एक अकेले आदमी ने डिसीजन लिया सर, वो 2000 करोड़ की कंपनी बना पाए, तो क्या आप और हम मिलके उतना बड़ा बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकते हैं? अपने अंदर एक आग लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा और एक बेहतरीन अपलाइन बनके दिखाना पड़ेगा, बेहतरीन लीडर बनके दिखाना पड़ेगा कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, कि अगर मुझे बनना है तो इस इंसान जैसा बनना है। तो दोस्त, जिस दिन आप ऐसा काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन आदमी आप वही होंगे लेकिन सम्मान तो ऐसा होगा जिसको देख के, जिसको सोच के आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। उस दिन का इंतजार कीजिए, काम करते चले जाइए। चलते चलते फिर वही बात बोलूँगा कि सम्मान कभी इंसान का नहीं होता दोस्त, सम्मान हमेशा काम का होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा मैसेज पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी ही छोटी छोटी बातों से इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम वो इस बिज़नेस को छोड़ने की गलती ना करें और इस बिज़नेस में टिके रहें, और जिन सपनों को लेके वो इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे सपने उनके पूरे हो पाएँ, आपके पूरे हो पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।